तो इधर मैं गरम कर रही थी, तेल है सरसों का तेल, लहसुन अजवाइन और हींग थोड़ा सा मैंने डाल के उसको पकाया है, क्योंकि बाबू की मैं करूँगी मालिश इससे। और इधर इसके पापा भी आ गए थे, कहीं गए थे, नहीं थे घर में, तो फिर इनको चाय में देने लग गई थी गरम करके, तो इनको मैंने चाय दिया। और इधर मानसी, नैन्सी, माही और पापा का जो लाडला है, पापा से जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसको पापा मिल जाए, पापा को थोड़ी देर के लिए नहीं देखता है ना, कहीं से आ जाते हैं तो ऐसे झपटता है उनकी ओर, ऐसा लग रहा है कि एक आध महीने से इसने देखा हो उनको, इतना तेजी से भागता है उनके ऊपर जाने के लिए। तो अभी देखिए कैसे चाय पी रहे हैं और बगल में अपना भी चढ़ा जा रहा था। और इधर मैं करने लगी हूँ बाबू की मालिश। वैसे बहुत बदमाश है, मालिश जल्दी से नहीं करवाता है ये, अभी ये बहुत तंग करने लगा है, मालिश करो तो उठ के भागने लगते हैं, और कान में तेल डालो तो वो भी नहीं करवाते हैं, इतना मस्ती करते हैं ये देखिए। और मालिश करते समय बहुत ज़्यादा होते हैं, पहले ना आराम से लेटा रहता था, मैं अच्छे से मालिश करती थी और हाथ पैर में अच्छे कायदे से मालिश कर दिया करती थी, लेकिन अभी ना ये तंग करने लगे हैं, तो इनकी मालिश बस करने अब में अब मुझे ना थोड़ी सी चाहती हूँ दिक्कत होती है, क्योंकि जब मालिश करने लगती हूँ तो उठ के ना ये भागने लगते हैं। तो बाहर जो कूड़ा लगे थे ना, मैंने उसे फेंका नहीं था, तो अभी बाबू की मालिश करके बाबू को दूध पिला के आराम से दे दिया है, निप्पल में पी रहा है। और अब मैं आ गई हूँ अंदर, और जो इन लोगों ने पी खा करके फेंका था ना, मतलब चाय के बर्तन रखे थे, उनको इकट्ठे कर रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, जो मुझे मिला है आंगनवाड़ी की तरफ से ना, घी, रिफाइंड और चने दाल, तो चने दाल को मैं लेके चलती हूँ छत पे डालने के लिए सूख जाए, क्योंकि उससे पहले जो मुझे मिला था ना, वो उसमें भी हल्की हल्की सी भुकड़ी लग गई है, और थोड़ा थोड़ा सा धूप निकला है बाहर बाहर, ये देखिए। तो धूप में मैं डालूँगी चने दाल को सूखने के लिए, क्योंकि हल्का हल्का सा नम रहता है जब हमें मिलता है। तो पहले रिफाइंड को मैं डिब्बे में भर देती हूँ, नहीं तो चूहा काट देगा तो बह जाएगा सारा का सारा। तो ये देखिए अभी मुझे मिले हैं आधा किलो रिफाइंड और 1 किलो या फिर 1.25 किलो होंगे चने का दाल। तो अभी देखिए मुझसे इतना गिर भी गया था, मैंने इसका मुंह ना थोड़ा सा ज़्यादा काट दिया था, तो इतना गिर गया है, बेकार में बह गया है इतना। इसी डब्बे में मैं अलग से रखती हूँ रिफाइंड को अलग से और इसको अलग से। वैसे जल्दी से ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इस समय मैं ऑयली चीज़ें बहुत कम बना रही हूँ, कुकिंग भी नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए। और इधर ये चने का पैकेट है जो मुझे मिला है अभी, और ये वाला बहुत पहले जो मिला था वो है, तो इसमें ना नम हो गई थी, नम होने की वजह से खराब हो रही थी। तो दाल को मैंने डिब्बे से पन्नी में निकाल लिया है, और दाल में ना बहुत ज़्यादा हल्की, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कि भुकड़ी लग गई है। जब मुझे मिला था ये, तो मैंने गलती किया कि इसे धूप में नहीं सुखवाया, और बाबू की वजह से मैं कोई रेसिपी भी नहीं बना पाती हूँ, मतलब थोड़ा तंग करते हैं आप लोग समझते हैं ना, तो रेसिपी भी नहीं बना पाती, नहीं अब तक इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ। और अभी जो मुझे इसे मिला है, इसको मैं अलग से रख के सुखवा के अलग डिब्बे में रखूँगी, दोनों को मिलाऊँगी नहीं। ये देखिए ये वाला कैसे हो गया है, दोनों को मैं अलग अलग सुखवाऊँगी। तो चलती हूँ चाची की छत पे। अच्छा हाँ, मेरी 2-3 बहनें हैं जिनका मुझे नाम लेना है, उनकी शिकायत आती है। एक है मेरी बहन सुमन, और एक है नीतू, और एक मेरी बहन है जिनकी आईडी है सुधीर, सुधीर नाम से। तो मेरी बहुत सारी बहनों की शिकायत है, मैं धीरे धीरे सबका नाम लेती रहूँगी। गिराना नहीं बिटिया। तो अभी हम आ चुके हैं घर में चाची के, चल रहे हैं छत पे, मानसी ली है पुटकी, वो देखिए मानसी गिरा है ना बिटिया, नहीं सब फाइल जाए, मैं डरता हूँ ना बनी। नैन्सी हमारी नहा ली है, चल नैन्सी।
गिराए ना यार, दे हम का गिरा देवे, सौ के मारा ली है, मांग रहे दे नहीं रही है। ये देखिए आ गए हैं, चादर ली हूँ, इसको पहले बिछा लेती हूँ फिर फैलाती हूँ। पापा अब तुम लोग याद दिलाना हमको, नहीं बारिश हो तो भीग जाए। चलो चलो आराम से, भाग चलो भाग चलो भाग चलो। तो मैंने दाल दिया है, दाल को सूखने के लिए। मैंने बच्चों से कहा मुझे याद दिलाना, नहीं तो बारिश होने लगे तो दाल भीग जाए, क्योंकि घर से यहाँ डाली हूँ तो भूल ही जाऊँगी। और आज मैं आप सभी को बहुत स्पेशल बात बताने वाली हूँ, मतलब बहुत खुशी की बात है, स्पेशल बात है। उसमें से आप सभी के प्रश्नों का एक उत्तर भी छुपा है, क्योंकि आप लोग मुझसे कई बार पूछ चुके हैं। तो अभी नहीं, आराम से बैठकर बताऊंगी, चलती हूँ पहले घर। चलो ये देखिए पब्लिक जा रही है, चलो सोना चलो सोना सोना, ये सोना है, उधर है बुआ की लड़की। तो आइए चलते हैं, नहीं फेंको नहीं, पन्नी काम में आ जाएगी। हो चुकी हूँ, सारे काम मैंने निपटा लिए जो मेरे काम थे घर के। और अचानक से होने लग गई थी बारिश, तो मैंने चने की दाल डाले थे धूप में सूखने के लिए। मैंने सोचा क्या बारिश होगी क्या, पिछले 10-15 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा क्या बारिश हो ही जाएगी क्या, अचानक से होने लगी। भागते भागते गई छत पे लाने के लिए, वहां से लेके आई, अभी रखी हूँ। फिलहाल दाल भीग गई है हल्की हल्की सी, अभी फिर से धूप निकलेगी फिर से सुखाना पड़ेगा, मेरा मेहनत बेकार हो गया है। तो अभी मुझे आप सभी को जो बताना है वो मैं बता दूँ, क्या खुशी की बात है, मुझे क्या गिफ्ट दिया है मेरे हस्बैंड ने, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। पिछले एक हफ्ते से आप सभी से बताना चाह रही हूँ लेकिन मौका नहीं मिल रहा, तो आज की वीडियो में सही मौका मिला है बताने का आप सभी को। तो ये देखिए, ये है मेरा गिफ्ट, ये कैसे दिख रहा है आप सभी को, शायद उल्टा दिख रहा होगा ना, कैमरा मैंने खुद की ओर किया है तो शायद आप सभी को ठीक से नहीं दिख रहा होगा। तो ये है मेरा फ़ोन जो मुझे मिला है, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया है। तो ये वीवो का फ़ोन है, Y21 लिखा है, तो Y इधर उल्टा दिख रहा है, 21 भी उल्टा दिख रहा है, कैसे दिखाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये उल्टा दिख रहा है ना इसमें, इसीलिए। तो ये वाला मेरा फ़ोन है जो उन्होंने मुझे दिलाया है, और पहले जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करती थी ये वाला मेरा फ़ोन है, ये देखिए इससे मैं रिकॉर्ड करती थी वीडियो, तो ये अच्छी तरीके से बेचारा टूट फूट गया था, और इसका ना डिस्प्ले ख़राब हो गया था बिल्कुल से, ये अंधी हो चुकी थी जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। लेकिन ये 3 साल पुराना फ़ोन है, इसका कैमरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं दूंगी बनवाने के लिए, और जब ये बन जाएगा तो मैं वीडियो इससे बनाऊंगी, एडिटिंग इससे करूंगी, जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं मेरे नए फ़ोन से ही वीडियो बना रही हूँ पिछले एक हफ्तों से, तो आज मैंने आप सभी को बता दिया। मेरी बहनों ने मुझसे पूछा भी था कि दीदी आप उसी से वीडियो बनाते हैं या फिर आपने फ़ोन ले लिया, आपका फ़ोन ख़राब हो गया था ना, तो हाँ उन्होंने मुझे दिलाया है ये फ़ोन, तो
मेरे लिए खुशी की बात है, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती है। इसको बनवाऊंगी मैं, ऐसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे दोनों फोन का काम रहेगा। और ब्लॉग बड़ा हो गया है, मिलती हूँ आप सभी को कल की वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।